नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज स्कूलों की। दरअसल छत्तीसगढ़ में आज यानी कि 2 अगस्त से स्कूल खुल गए हैं। कोरोना संकट काल के बाद यानी तकरीबन 1.5 साल बाद स्कूल खुले हैं, तो आज जानेंगे कि स्कूलों का और बच्चों का, अभिभावकों का, शिक्षकों का हाल का है। तो आज से स्कूल खुल गए हैं और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठपुरैना, जहाँ पे पहली से लेकर के 12वीं तक की कक्षाएं लगती है। इस स्कूल में आज विशेष तौर पर तैयारी की गई है। जैसा कि अमूमन देखा जाता है कि स्कूल जब खुलता है तो किस तरीके से स्वागत सत्कार किया जाता है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से इस स्कूल को आज व्यवस्थित किया गया है। साफ़ सफाई पूरी तरीके से किया गया है। स्कूल के अंदर हम जाएँ उससे पहले स्कूल के बाहर कुछ पालक हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय बाद उनको भी स्कूल आना पड़ा होगा, तो पहले उनसे समझते हैं कि कैसा उनको लग रहा है। तो आज से स्कूल खुल गए हैं, खुश हैं जी? जी, क्यों खुश हैं? कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं करके, कम से ड्रेस वरेस पहन के, इसी के लिए। घर पे रहते थे तो? घर पे रहते थे तो घर में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे, खाली टीवी टीवी देखते थे। अच्छा, अभी वैसे कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, तो पूरी सुरक्षा पे ध्यान दे रहे हैं जी? जी, जो है मास्क वगैरह के साथ ही। आइए जरा कुछ और अभिभावकों से जानते हैं। आज से स्कूल खुल गए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। बच्चों के लिए अभी सही है कि नहीं है? कोरोना का अभी दौर खत्म नहीं हुआ है। हाँ, सही है बच्चों के लिए। अभी 2 साल बैठ गए हैं, अब सही है बच्चे लोग के लिए, सही है। हाँ, अच्छा। आइए जरा कुछ और अभिभावकों से जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि कितने खुश हैं वो स्कूल के खुलने के बाद से। कितने खुश हैं आप लोग स्कूल खुल गए तो आज? बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, डर नहीं लग रहा है? लग रहा है डर, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। खुशी भी है कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं। खुशी किस बात की है? बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इसी बात की बहुत ज़्यादा खुशी। घर पे बदमाशी करते थे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बदमाशी करते। कब स्कूल? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा भी है स्कूल खुल गए, लेकिन ये भी डर है कि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है, इस वजह से और ज़्यादा डर है। कि तो कौन से क्लास में पढ़ते हैं बच्चे आपके? मेरा क्लास 1 है और क्लास 4th है। ज़्यादा अभी ध्यान रखने की? बहुत ज़्यादा। कैसा आपको लग रहा है आपके बच्चे? आप छोड़ने आए, लेने आए? लेने के लिए आए हैं। तो कौन से क्लास में आपके? 1। पूरी सुरक्षा के साथ भेजेंगे? हाँ, हम भेजे हैं सुरक्षा के साथ। आप लोग कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 6th क्लास में। हो गई छुट्टी? हो गई क्या? नहीं, अभी तो स्कूल के अंदर जाने नहीं दे रहे। अभी जाने नहीं दे रहे? क्यों? आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आओ? मैम लोग बोले थे कि नहीं, घर कपड़े में आना। घर कपड़े में आने बोले? हाँ। अच्छा लग रहा है स्कूल खुल गया तो? हाँ हाँ, डर तो नहीं लग रहा है? लग रहा है। काहे का? क्यों, कैसा लग रहा है? कोरोना का डर लग रहा है, कोरोना का डर लग रहा है। स्कूल आने की खुशी है कि नहीं? है। घर पे रहना ज़्यादा अच्छा था कि स्कूल पे? स्कूल पे। स्कूल पे। स्कूल पे। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 6th। 6th में। कैसा लगा इस दौर में 1.5 साल जब आप घरों में थे, स्कूल आना जाना, मिलना जुलना नहीं हो रहा होगा? सर अच्छा नहीं लगता था, अब स्कूल खुला तो ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, खुश हैं बहुत? यस हाँ। नियमित आएंगे अब स्कूल के? नहीं आएंगे? आएंगे, आएंगे। आप? मैं 6th क्लास की। 6th में? हाँ। तो अभी स्कूल खुल गया है आज से, तो तैयारी कैसी है आपकी, ये बताइए? अच्छी चल रही है। हाँ? अच्छी चल रही तैयारी। हाँ। ठीक लग रहा है स्कूल आना? हाँ। तो स्कूल का हाल हम दिखा रहे हैं कि स्कूल में किस तरह की व्यवस्था है। कोरोना काल के बाद स्कूल जब खुला है तो वहाँ पर फिर क्या तैयारी की गई है। आज इस स्कूल में विशेष तैयारी दिख रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी जो है चेक किया जा रहा है बच्चों का कि ठीक है कि नहीं है, और सैनिटाइज़ भी किया जा रहा है सभी बच्चों को। ड्यूटी लगाई गई टीचरों की, ये भी देखा जा रहा है कि सबके पास मास्क है या नहीं है। तो इस तरीके से तैयारियाँ दिख रही है। और आप स्कूल भी देखिए, ये सरकारी स्कूल हैं, इसकी तुलना आप अंग्रेजी स्कूल से कम मत करिएगा। ये हिंदी माध्यम की स्कूल हैं, तो यहाँ से कम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जैसे खूबसूरत आपको दिखाई देते हैं, वैसे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये बच्चे इस तरीके से आ रहे हैं,
बहुत सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है यूनिफॉर्म में नहीं है। तो पूरी सुरक्षा जो है के साथ स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है। मैम, पूरी जो है सुरक्षा पे ध्यान रख रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर, पूरी सुरक्षा पर ध्यान रख रहे हैं। सैनिटाइज वगैरह, सैनिटाइजर और वो भी टेम्परेचर देख रहे हैं पूरा, और जो मास्क नहीं लाए उनको, उनके लिए मास्क यहाँ पर अवेलेबल है। अरे ये बताइए कि इतने समय बाद अब स्कूल खुला है, तो आप लोग को कैसा लग रहा है? अब हम लोग तो पहले से ही आ रहे हैं, बच्चों को मोहल्ला क्लास भी लेते हैं और ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं, लेकिन ये है कि क्लास में पढ़ेंगे तो थोड़ा सामने से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों को, और बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं स्कूल आने के। आपको लग रहा है कि ये ठीक वक्त है अभी स्कूल खोलने का? अभी तो एक दो स्कूलों में फिर पता चला कि कोरोना पॉजिटिव निकला हुआ है, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अब देखते हैं थोड़ा। आइए जरा आपसे बात करते हैं। मैम, आप कितने सालों से यहाँ पे? मैं 10 साल से। 10 साल से जी। तो 10 साल में कभी आपने ऐसा दौर नहीं देखा होगा? नहीं सर, नहीं, अभी ऐसा दौर कहाँ देखेंगे, पहली बार है ये दौर। तो इस दौर में आपका हाल कैसा रहा? सर हाल तो अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग शिक्षक लोग जो हैं, भले बच्चों को सरकार ने छुट्टी दे दी, लेकिन शिक्षक जो हैं वो तो हम लोग सर मई से आ रहे हैं काम वर्क के लिए अपने, हम लोग मई से ही आ रहे हैं रेगुलर, और अपन ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, ऑफलाइन भी सामने गार्डन में लेते हैं, ये सब काम चल ही रहा है। मतलब टीचरों का काम नहीं रुका है, बच्चों का काम रुका हुआ है पढ़ाई का, समझिए ऑनलाइन, और अपने बच्चे ज़्यादा मतलब 50% की आज उपस्थिति है, उन लोग आए हुए हैं। कोरोना संक्रमण आपको भी देखना पड़ा क्या, झेलना पड़ा? झेलना पड़ा सर, हाँ हम पॉजिटिव हो गए थे। अच्छा। हाँ अप्रैल में, अप्रैल में, अप्रैल में। फिर क्या, फिर मतलब वो समझिए चेकअप वगैरह हुआ, उसके बाद दवाई वाई लिए और 15-16 दिन में ठीक हो गए। 15-16 दिन? हाँ 16 दिन में ठीक हो गए, अप्रैल में लॉकडाउन था उस टाइम में। तो अभी स्कूल आज से खुल गए हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ठीक है, कोरोना नहीं फैलेगा इसका पूरा, आप लोग तो ध्यान रख ही रहे हैं? हाँ हम लोग आशा कर रहे हैं सर कि कोरोना ना फैले, बच्चों का भी भविष्य अच्छा हो, सब पढ़े लिखें और पढ़ाई करें आगे। हम तो शिक्षक हैं सर, हम तो चाहेंगे ही बच्चे पढ़ें, घर में ना रहें, है ना, ये हम लोग सोच रहे हैं, बच्चे आए और नहीं फैले कोरोना आगे, इसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं सर। तो ये हम जो है स्कूल के टीचरों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल दिखा रहे हैं, और आप देखिए कि आज पहला दिन है, चूँकि 2 अगस्त 1.5 साल बाद स्कूल जब खुला है, तो उसका हाल क्या है ये सब हम देख रहे हैं। हमारे साथ जो हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मैम, 2 अगस्त जी, कोरोना के 1.5 साल बाद, संकट काल के 1.5 साल बाद स्कूल खुल गया है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कितने दिन बाद बच्चों की चहल पहल हुई है, और मैं जब आज घर से स्कूल निकली हूँ तो मैं भी गाना गा के निकली हूँ, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, बच्चों से ज़्यादा खुशी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को देख के। ये सोचिए कि इतनी खुशी हो रही जितने अपने घर के बच्चों को देख के होती है। अच्छा, लेकिन आपको ये भी लग रहा होगा कि, लेकिन वो एक भय भी है कि हम बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाएंगे कितना, और बच्चे सुरक्षित रहें हम ये चाहते हैं, बच्चे पढ़ें भी लेकिन उनकी सुरक्षा भी रहे साथ में। स्कूल में सुरक्षा पे क्या क्या ध्यान दिया गया? में हमने सुरक्षा के लिए एक तो 50% बच्चे बुलाए हैं, दूसरा आप देख ही रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम करवा रहे हैं हर जगह पे, और इसके अलावा हमारे पास हम सैनिटाइज कर रहे हैं, पूरे विद्यालय को हमने 3 दिन से फॉगिंग करवाई है और हाइपो से सैनिटाइज करवाया हुआ है, हर क्लासरूम में सैनिटाइज़र हैं, और बच्चों के लिए मास्क की भी व्यवस्था है, अगर कोई बच्चा पहन के नहीं आता है। हम अपनी तरफ से 100% प्रयास करेंगे कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ कोरोना से भी बचें। हमारे शिक्षकों का पूरे टीकाकरण भी हो चुका है 100%, तो हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें भी और सुरक्षित भी रहें। अच्छा ये बताइए मैम कि वैक्सीनेशन तो हो गया आप सब टीचरों का, जैसे अभी सभी बच्चों को बुलाया जा रहा है या फिर उसमें कुछ कमी की गई है, सारे क्लासेस अभी लगाना है? नहीं, सभी क्लासेस नहीं लगाना है, पहली से 5वीं तक के बच्चों का समिति से परमिशन लेके 50% बच्चे आ रहे हैं, 8वीं के बच्चों की भी समिति से परमिशन ली गई है, वो भी 50% आ रहे हैं, और 10वीं-12वीं के लिए शासन का आदेश है और वो बच्चे भी सिर्फ 50% ही आ रहे हैं।
मतलब अभी 50% बच्चों को 50% आ जाएंगे और 50% कल आएंगे, मतलब अल्टरनेटिव में बुलाया जाएगा बच्चों को जी। अगर जैसे चार सेक्शन है तो दो सेक्शन आ जाएंगे, दो सेक्शन कल आएंगे, ताकि भीड़ ना हो जी, ताकि भीड़ ना हो बच्चों की, और अगर सोशल डिस्टेंस भी रहे और सब लोग सुरक्षित रहें, सब लोग बच्चे भी सुरक्षित रहें, हम भी रहें जी। बिल्कुल, आए और आइए जरा आपके साथ क्लास भी देखते हैं कि क्लास का क्या हाल है, कौन सा क्लास में चलेंगे अभी? अभी तो प्राइमरी स्कूल लगा हुआ है और इनका हमारे स्कूल का टाइम 12 बजे से है जी, तो प्राइमरी के ये प्राइमरी के क्लासेस हैं। अच्छा, ये आमा राइट प्रोजेक्ट लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, क्या होता है उसमें? उसमें गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को कुछ काम दिए गए थे तो बच्चों ने करके लाया है, बहुत उत्साह दिखाया बच्चों ने, आप चाहें तो देख लीजिए। ये बच्चों ने बनाए हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, फाइल्स हैं, तो ये हमने यहाँ पे सजाया हुआ है, इससे बच्चों की ग्रेडिंग भी हुई है। अच्छा। इनमें जी, ये सब गर्मी के दिनों में, गर्मी के लिए इनको होमवर्क टाइप का दिया गया था, असाइनमेंट। ये सब घर से तैयार? घर से ही, अभी तो सब घर से ही कर रहे हैं बच्चे, तो हम लोगों ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, तो ये बच्चों ने फाइल्स और कुछ प्रोजेक्ट्स बना के लाए हुए हैं, तीन में से कुछ हमने प्रदर्शित किए हैं क्योंकि बच्चे बहुत हैं तो उतने करना संभव नहीं जी। तो ये हम प्रिंसिपल मैम हैं, उनके साथ स्कूल्स देख रहे हैं, और ये इस तरफ क्या है मैम? इधर, हाँ इधर मेरे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है जी। ये कौन से क्लास के बच्चे हैं तुम लोग? कौन सी क्लास के बच्चे बेटा? आठवीं क्लास के बच्चे, मंच के पीछे वाले। तो आप लोग आज से स्कूल आ गए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ। घर पे ज्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पे स्कूल पे? यहाँ पे, यहाँ स्कूल में। लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है कैसे कैसे लगा इस दौरान, क्या क्या किया आपने? हमारा एक किया ना, आप लोग बोल कम रहे हैं, तो बोलते नहीं है? हाँ। अच्छा, तो ये मठ पुराना स्कूल, ये भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल से कम नहीं है मैम? धन्यवाद। देख रहे हैं काफी खूबसूरती से जो है यहाँ पे काम हुआ है जी जी जी। और ये है क्या, इसमें क्या क्या चीजें? ये साइंस पार्क डेवलप किया जा रहा है जी। अभी इसका ये आउटडोर प्रोजेक्ट लगभग तैयार है और इंडोर प्रोजेक्ट भी हैं इनके जो अंदर अभी बनेंगे, अभी वो शुरू नहीं हुए हैं तो उनका काम चल रहा है। ये अपना जो विज्ञान केंद्र है उससे कोलैबोरेट करके बनाए जा रहे हैं, जो अपना छत्तीसगढ़ विज्ञान केंद्र है उससे। तो ये बच्चे यहाँ पे खेल खेल में विज्ञान, बच्चे यहाँ पे साइंस सीखेंगे जी, उनको एक तरीके से पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे कराया जाएगा। ये जी जी, ये देखिए, ये अमूमन ऐसा निजी स्कूलों में भी बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि ये काफ़ी खर्चीला रहता है, व्यवस्थित करना होता है। और प्रयास किया है। तो हम जो है का हाल है के ज़रिए आपको दिखा रहे हैं सरकारी स्कूल का हाल क्या है, और आज से जब स्कूल खुल गए हैं तो किस तरह की व्यवस्था है, क्लासेस कैसे चल रही है, और ये प्राइमरी के क्लासेस हैं यहाँ पे चल रही है आपको दिखा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि कोरोना के इस संकट काल में जब 1.5 साल बाद स्कूल खुले हैं तो उसके बाद की क्या तैयारी है, तो आपको दिखाते हैं यहाँ के स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है और कैसी है तैयारी। ये है, ये आज से स्कूल खुल गए हैं, आप देखिए सबको टेबल में एक एक व्यक्ति को ही, एक एक बच्चों को ही बैठने की अनुमति है। तो अभी ये कौन सा क्लास है मैम? ये क्लास 4th है सर। क्लास 4th है, तो संख्या इससे ज़्यादा होगी मेरे घर में? हाँ, स्कूल में तो ज़्यादा है, स्कूल में ज़्यादा है, तो आज इतने लोगों को बुलाया गया है जी। अच्छा, एक टेबल पे दो बच्चे बैठते हैं अभी? एक ही बच्चे, मतलब बैठते दो हैं जी अभी, एक ही, तो अल्टरनेटिव व्यवस्था होगी जी सर। अच्छा, तो करीब करीब 1.5 साल बाद आप स्कूल में इस तरीके से बच्चों को पढ़ा रही होंगी, कैसा लग रहा है अभी? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, इससे पहले मोहल्ला क्लास भी चल रहा था अभी तो स्कूल में, लेकिन कोरोना आने के बाद ये पहला क्लास जी जी। तो अभी अच्छा लग रहा है इधर? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे खुश हैं कि नहीं? पूछिए ना सर, आप खुद बच्चों से पूछिए। खुश हैं आप लोग सब लोग? अच्छा, तो आपका नाम क्या है? बरखा यादव। बरखा, तो बरखा रानी को कैसा लग रहा है आज स्कूल आके? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
घर पे ज्यादा अच्छा लगता है कि स्कूल में? स्कूल में। स्कूल में घर पे बदमाशियां ज्यादा करते होंगे ना? यस। आपका क्या नाम है? माधुरी सागर। माधुरी, तो माधुरी को यहाँ पे आना अच्छा लग रहा है? अभी कोरोना अभी खतरा टला नहीं है, कुछ बताएं घर वालों ने क्या क्या करना है? मास्क लगाए रहना है और बार बार सैनिटाइजर करना है। अच्छा, और टीचर्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आज पहला दिन क्या पढ़ा रहे हैं? पहला दिन गणित पढ़ाए और हिंदी। हिंदी, और आपको क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई करना अच्छा लगता है। पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश हिंदी सब अच्छा। सब अच्छा लगता है। अच्छा, तो इस दौरान आपने घर पे क्या किया? घर पे पढ़ती थी कि नहीं? पढ़ती थी सर। अच्छा, वहाँ पे क्या क्या पढ़ी आप? मैं वही 12 खड़ी लिखती थी और पहाड़ा और 1-2 लिख के लाती थी। बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ याद है? कोई कविता, कोई पोयम, कोई कहानी, कोई किस्सा? कुछ भी नहीं पढ़े 1.5 साल में घर पे? नहीं। अच्छा, आपसे पूछते हैं, आपका नाम बताओ, खड़े हो जाओ। भूपेश विश्वकर्मा। क्या नाम है? भूपेश विश्वकर्मा। भूपेश। तो भूपेश कौन से क्लास में है? चौथी। चौथी में। अच्छा लग रहा है स्कूल आके? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे तू? घर पे अच्छा नहीं लगता था क्या? वहाँ पे नहीं अच्छा लगता है? टीचर्स नहीं मिल पाते रहे होंगे? नहीं, ऑनलाइन ही मिलते रहे होंगे। तो मैं आपको स्कूलों का हाल दिखा रहा हूँ, क्या हाल है के ज़रिए, और ये दिखा रहा हूँ कि जब स्कूल खुला है कोरोना संकट काल के बाद, तो उसके बाद की स्थिति क्या है। फिलहाल अभी अल्टरनेटिव व्यवस्था की गई है और 50% बच्चों को ही बुलाया जा रहा है, जिससे कि व्यवस्था बनी रहे और सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सके। तो क्या हाल है के ज़रिए हम जान रहे हैं कि स्कूल खुलने के बाद का हाल क्या है, और इस वक्त मेरे साथ है पालक समिति के अध्यक्ष। तो ये बताइए सर, आज से स्कूल खुल गया है? जी जी। और कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है? हाँ। तो क्या लग रहा है, ठीक है? नहीं, देखिए वैसे बच्चों के भविष्य को देखते हुए अपन कह सकते हैं कुछ ठीक है, लेकिन अभी भय का माहौल बना हुआ है। माहौल को कैसे दूर करेंगे? वो माहौल का वैसा है कि हमारा एक निवेदन है कि कुछ 1-15 दिन महीना दिन और रुक जाते, उसके बाद खुलता ना स्कूल तो ठीक रहता हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से? जी 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 जी। अभी अभी आज ही के पेपर में लगभग 50-60 लोग संक्रमित हो गए हैं रायपुर में। रायपुर में? जी जी जी। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना तो होगा। हाँ जी सर। हाँ, जल्दबाजी हो गई क्या? थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है इसको, तीसरी लहर को थोड़ा देखते हुए, इसको थोड़ा देख करके अपन 1-2 महीना भावना जो है अगस्त और सितम्बर की ज्यादा। जी 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 जी। तो आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए? अच्छा, जिस व्यवस्था में स्कूल को खोला गया है उस व्यवस्था से आप क्या संतुष्ट हैं, खुश हैं? हाँ, व्यवस्था तो ठीक है, यहाँ पे साफ सफाई बढ़िया है, खुला खुला माहौल वातावरण है, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी पांडे सर, ये बताइए, जैसे कह रहे हैं पालक समिति संघ वाले कि थोड़ा इंतजार कर लेना था, अभी जल्दबाजी हो जाएगी स्कूल खोलना, संक्रमण फैला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, संक्रमण फैलेगा तो दिक्कत तो होगी सर, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, परंतु हम लोग इतना सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बच्चे को बिठा रहे हैं, एक एक छोटी छोटी बातों को ध्यान रख रहे हैं, मास्क रखे हैं, सैनिटाइजर है, दूरी बना के रखे हैं, तो कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए खोले हैं, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि संक्रमण फैलेगा। नहीं, पालक समिति वाले जैसे कह रहे हैं कि ये अगस्त का महीना निकल जाता तो थोड़ा सा ठीक रहता, क्योंकि ये संक्रमण का दौर है अगस्त और सितंबर तीसरी लहर के लिए बता रहे हैं। हाँ सर, मीडिया में और बाकी डॉक्टरों की जो आ रही है उससे पालक तो भयभीत हैं, परंतु शासन भी चाह रही है कि स्कूल खुल जाए, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद ना हो, और बीच के कड़ी हम हैं। तो आपको तो आदेश का पालन करना है सर। वैसे चिंता आप लोगों की ज़्यादा होगी? चिंता बहुत ज़्यादा रहती है सर, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। जिम्मेदारी बढ़ गई है, चिंता बहुत ज़्यादा है, अगर एक भी बच्चे हमारे कहीं संक्रमित होते हैं तो पूरी जवाबदारी हमारी रहती है, इसलिए चिंता तो रहेगी सर। जिम्मेदारी बढ़ गई, चिंता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चिंता क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, और जिस प्रकार डॉक्टर लोग अपना एडवाइस कर रहे हैं कि अभी थर्ड लहर को देखते हुए, इसलिए थोड़ा से रुक जाना चाहिए,
और हम तो पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं, और बच्चों को दूरी में बैठा के और उनको हम सैनिटाइजर करा के ही मास्क लगा के उसको प्रवेश दे रहे हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। आइए आइए आपसे तो हम तो चर्चा कर ही रहे हैं, जैसे सर लोग कह रहे हैं कि इन लोग को भी थोड़ी सी चिंता है सर लोग को क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। जी सर नहीं, इसमें तो कोई दो मत की बात नहीं है, हमारे सब सर कोऑपरेटिव बढ़िया ध्यान दे रहे हैं, है ना। लेकिन देखिए, अगर ऊपर संक्रमित को अपन देखे नहीं है कब किसके ऊपर आ जाए, इसी का भय लगा हुआ है हम लोग, और कोई बात नहीं है। बच्चे थोड़ा सुरक्षित रहें यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। जी, हमारे स्कूल में इस टाइप का कोरोना संक्रमण ना हो, है ना, ये तो जवाबदारी हमारे गुरुजी ने ले लिया है कि इसमें पूरा गुरुजी के ऊपर थोप देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, हमारा भी जवाबदारी है, हम लोग भी समय समय में बिल्कुल आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए। जी सर मैम, आप क्या मान रही हैं, ठीक है अभी स्कूल खोलना? नहीं, फिलहाल तो अभी इसके कंडीशन में स्कूल खुल गया बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, लेकिन आज ही जो नए केस आ रहे हैं वो भी हमारे स्कूल के पास ही आया है संतोष की नगर में। अच्छा। तो बच्चे वहाँ से भी आते हैं हमारे स्कूल में, तो कहीं ना कहीं मन में एक भय है कि बच्चे वहाँ से संक्रमित होकर आएंगे। और यहाँ तो जरूर पालन किया जा रहा है कोरोना गाइडलाइन का, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे तो छोटे ही है ना, बाहर स्कूल कैंपस के बाहर यदि वो एक दूसरे से संक्रमित हो रहे, यहाँ तो हम पूरा पालन करके वो करें, तो वो मन में भय है कहीं ना कहीं हमारे। छोटे बच्चे हैं, अगर बच्चे छोटे हैं इसीलिए, इवन जो नए प्रवेश लिए वो तो बहुत ही छोटे हैं, हम चाहेंगे कि पालक उनको बाहर तक ले और अपने साथ ले जाए, और वो भी हम लोग के साथ साथ वो भी गाइडलाइन का पालन करे तो ठीक रहेगा बस। मतलब चिंता इस बात को लेकर के है कि आस पड़ोस में अगर फैला और उधर से बिना बताए बिना जानकारी के आ गए तो फिर बच्चे आएंगे तो फिर तो स्कूल में रहता ही है ना, कितना हम लोग तो सब डिस्टेंस में बैठा रहे हैं, गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं स्कूल में, तो बच्चे यहीं बाहर से इसी एरिया से आएंगे तो वहाँ तो फैल चुका है आस पास। तो कोरोना के भय के साथ स्कूल की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन चिंता शिक्षकों को भी है, पालकों को भी है कि अगर संक्रमण फैला तो क्या होगा। इस चिंता के बीच स्कूल संचालित किया जा रहा है, व्यवस्थाएं पहले दिन तो काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन बाकी दिनों में क्या ये इसी व्यवस्था के साथ स्कूल संचालित हो पाएगी या नहीं, ये सवाल अभी भी कायम है। तो क्या हाल है के ज़रिए आज हमने जानने की कोशिश की कि क्या है सरकारी स्कूलों का हाल और वहाँ के शिक्षक और पालक क्या कहते हैं स्कूल खोलने को लेकर के। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।